वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में अयाज सादिक, राना मोहम्मद इकबाल खान, राना मकबूल और दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है। किन किन रहनुमाओं ने मुलाकात की है इस बारे में जानते हैं उमर असलम से। उमर असलम बताएगा किन किन रहनुमाओं की मुलाकात हुई आज। इस वक्त मौजूद कोट लखपत जेल के बाहर, जहां पर आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मकबूल जो हैं, वो अब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुँच चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का कहना था कि दोहरा मियार है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो छः छः साल से केस जारी हैं उनको लॉन्ग उनके हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ जो सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है इस पर हमें तहफ्फुज़ात हैं। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस के हवाले से बेल भी अप्लाई करेंगे। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि जो फैसला आया है उसमें भी साबित होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई माली करप्शन नहीं की। आपको बताते चलें कि आज सुबह 9 बजे से ही जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल आ रहे हैं जी।